नमस्कार दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल प्रभु यूपीपी पे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा एक बैच चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए वर्दी बैच। तो उसकी आज रीजनिंग सब्जेक्ट की क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमारी जो पिछली क्लास थी डायरेक्शन में हम टाइप 3 पढ़ रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। तो अगर उस क्लास से रिलेट करें तो तीसरा क्वेश्चन, और वरना ये हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, वैसे ही करते हैं, किधर खड़ा है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम की दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। उसके बाद क्या है, पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। कितना घूम जाता है, 135 डिग्री, तो 135 किधर घूमता है, दक्षिणावर्त, तो राइट डायरेक्शन। उसके बाद इसके बाद या इसके उपरांत पुनः वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 135 राइट डिग्री, राइट डायरेक्शन सॉरी। उसके बाद क्या है, फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में वह 45 डिग्री पुनः वामावर्त घूम जाता है। तो अब वह व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, तो 45 डिग्री लेफ्ट डायरेक्शन, 45 डिग्री लेफ्ट डायरेक्शन। अब पूछा गया कि इसका मुंह किस दिशा में है, तो इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो बस ऐसे ही लगा सकते हैं, दूसरा फिगर बना के। फिगर बनाने में टाइम लगेगा, और मेरे हिसाब से ऐसे बहुत आसान रहेगा। कैसे, इसको इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री राइट डायरेक्शन, और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री राइट सॉरी लेफ्ट डायरेक्शन, 90 डिग्री लेफ्ट डायरेक्शन। तो अब देखते हैं इसमें से इसको माइनस करके, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री राइट डायरेक्शन। तो मैंने उस दिन आप लोगों को जो पढ़ाया था कि जब 180 डिग्री पर घूमना हो तो क्या होता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। जैसे कि हम उत्तर की तरफ देख रहे हैं, अगर हमसे कोई कहे कि 180 घूम जाओ, तो हम सीधे ऐसे हो जाएंगे। जब ऐसे हो जाएंगे तो मतलब हम जस्ट अपोजिट दूसरी डायरेक्शन में चले गए। तो 180 डिग्री राइट डायरेक्शन टोटल हमारा जो आता है, इसका माइनस आता है, और तो पहले था नॉर्थ वेस्ट में, अब वो किधर पहुंच जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम में था। अब अगर 180 डिग्री घूमना है यानी कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, तो ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है। इसका ये जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको पहले से पता था कि किस डायरेक्शन में, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमको डायरेक्शन नहीं पता है, क्या है, किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है। चलिए किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, फिर क्या करता है, वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम लेता है, 45 डिग्री राइट डायरेक्शन। देखिए अगर आप लोगों ने हमारी जो पुरानी क्लास है उसको नहीं किया है तो उसको जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप उस क्लास को नहीं करेंगे देन मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्ट लगेंगी। तो कृपया करके आप उन क्लासेस को देखें और उसके बाद इस क्लास को करें, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा और अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री राइट डायरेक्शन। आफ्टर दैट क्या करता है वो, फिर वो 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री राइट डायरेक्शन में जाता है, 90 डिग्री राइट डायरेक्शन में जाता है, और उसके बाद में क्या करता है, उसके बाद वो 45 डिग्री वामावर्त घूमता है यानी कि 45 डिग्री लेफ्ट डायरेक्शन, और फिर क्या करता है, अंत में वह 45 डिग्री अंत में वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री वामावर्त घूमता है लेफ्ट डायरेक्शन, और लास्ट में क्या करता है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब व्यक्ति का मुंह उत्तर पूर्व की दिशा में है, 45 डिग्री राइट डायरेक्शन में घूम जाता है। अब व्यक्ति का क्या है, मुंह किधर दिया गया, वो व्यक्ति का मुंह दिया उत्तर पूर्व में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, अभी व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है। तो ये वाली डायरेक्शन पूछी गई, हमारी पहली डायरेक्शन क्या होगी, पहली डायरेक्शन क्या होगी, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 45 डिग्री राइट डायरेक्शन, 45 डिग्री लेफ्ट डायरेक्शन, 90 डिग्री राइट डायरेक्शन, 90 डिग्री लेफ्ट डायरेक्शन, खत्म हो गया। मेरे पास क्या बच रहा है, 45 डिग्री राइट डायरेक्शन। हमारे पास क्या बच रहा है, 45 डिग्री राइट डायरेक्शन। तो मैंने उस क्लास में आपको क्या बताया था,
जब ऐसे क्वेश्चन आए और हमसे पूर्व स्थिति पूछी जाए तो हम क्या करते हैं, पूर्व में ही चलते हैं। और पूर्व में चलने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा चलना पड़ता है। तो ये है क्या, हमारे पास राइट डायरेक्शन बच रही, तो हम क्या करेंगे 45 डिग्री लेफ्ट डायरेक्शन में चलेंगे। तो अभी हम बेसिकली किधर हैं, ऐसे हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं। अगर हम राइट डायरेक्शन में चलते, सॉरी लेफ्ट डायरेक्शन में चलते, तो क्या पहुंच जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर हम 45 डिग्री विपरीत घूम जाएंगे, वामावर्त घूम जाएंगे, तो हम आ जाएंगे उत्तर में। कहाँ जाएंगे, उत्तर में। और यही हमारा आंसर है, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के साथ हमारा टाइप थ्री होता है खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप फोर, डायरेक्शन का टाइप फोर। टाइप फोर में क्या होता है, जब दूरी और सापेक्ष दिशा पूछी जाती है, क्वेश्चन दिया जाएगा और दूरी पूछ ली जाएगी और वो किस दिशा में है, दूरी के साथ साथ दिशा भी पूछ ली जाती है, ऐसे क्वेश्चन। हालांकि कल मैंने अपने PYQ में ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था, पर वो फिगर बना के करवाया था। अब चलिए देखते हैं वैसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसको। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है और 100 मीटर चलने के बाद किधर मुड़ता है, वो 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, हमारा जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। इधर को जा रहा है कोई व्यक्ति, कितना चलता है, 100 मीटर चलता है, फिर किधर मुड़ता है, बाएं। अगर बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, सीधे ऊपर को जाएगा। बाएं मुड़कर कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। उसके बाद क्या करता है, फिर व्यक्ति वह किधर मुड़ता है, अपने बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, अब वो चल जाता है 45 मीटर, 45 मीटर चलता है। उसके बाद वह व्यक्ति क्या करता है, अंत में वह फिर से बाएं ओर मुड़ता है, अब वो फिर से बाएं ओर मुड़ता है और फिर चलता है कितना, 25 मीटर। तो अब हमसे पूछा क्या गया है कि वह व्यक्ति, तीन क्वेश्चन इसमें हमसे पूछे गए हैं कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए नॉर्मली इसको हम देख लेंगे, अभी वो पूर्व में चला था, यहां से चला था पूर्व में, अब वो आ रहा है इस तरफ, आ रहा है किधर आ रहा है, तो आप लोग नॉर्मली बता देंगे कि अभी वो किस दिशा में चल रहा है, तो अभी वो चल रहा है साउथ दिशा में। तो ये क्वेश्चन नंबर एक का हो गया हमारा आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर दो इसमें पूछा गया उसका देखते हैं क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो देखिए ये हमारा पूर्व बिंदु था और ये हमारा अंतिम बिंदु है, तो वह किस दिशा में है देख लेते हैं। अब वह प्रारंभिक दिशा से पूर्व दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में, किस दिशा में, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में। और तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पे है। तो ये टोटल दूरी कितनी थी, 100 मीटर थी, और ये कितनी दूरी है, ये है 45 मीटर। तो अब कितनी दूरी बचती है, ये बचेगी 55 मीटर, ये बचती है 55 मीटर। तो अब वह पूर्व बिंदु से या प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, 55 मीटर दूर है। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो टाइप फोर का दूसरा क्वेश्चन है, टाइप फोर का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक व्यक्ति राम किसी, एक व्यक्ति राम 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, चलिए चला देते हैं, यहाँ पे खड़ा है राम, 1 किलोमीटर चल दिया पूर्व की ओर, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ेगा तो ऐसे आ जाएगा, और कितना चल गया, 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या होता है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, चलिए पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ गया और चल गया 2 किलोमीटर चल गया। उसके बाद में क्या होता है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो ये हो गया उत्तर, उत्तर की ओर मुड़ा और कितना चला, 9 किलोमीटर चल गया, 9 किलोमीटर चल गया। अब हमसे पूछता क्या है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु था ये, अब यहां से ये वाली दूरी पूछी गई फर्स्ट ऑफ ऑल,
और यहाँ से किस दिशा में, ये दो चीजें पूछी गई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींच लेते। अब आपको पता चल गया हो किस दिशा में, ये तो तुरंत कंफर्म हो गया होगा, अब दूरी कंफर्म करना बचा है। तो किस दिशा में है, ये है उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है, एक तो आंसर पता चल गया। अब दूरी कितनी है, इस तरह की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले काल्पनिक फिगर का मदद लेते हैं। तो काल्पनिक फिगर बनाएंगे तो इस लाइन को इतना इतना बढ़ा लेंगे ऐसे ऐसे करके। जब हम इस लाइन को बढ़ाएंगे तो 1 किलोमीटर ए और 2 किलोमीटर ये, टोटल हमारी ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 किलोमीटर। अब ये कितनी है, 5 किलोमीटर है। तो इस 5 किलोमीटर को जब हम 9 किलोमीटर से लेस कर देंगे, 5 किलोमीटर को 9 किलोमीटर से लेस कर देंगे, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे जो लंब है, लंब की दूरी कितनी है, ये है 4। लंब क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 3, 3 का स्क्वायर। और पूछा गया है कितना, ये कर्ण, ये पूछी गई है दूरी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 16। 16 9 कितना होता है, ये होता है 25। और 25 का अंडर रूट कितना होता है, वो होता है 5। तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, 5 किलोमीटर ये आंसर हो गया। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब चलिए हम देखते हैं टाइप 4 का तीसरा क्वेश्चन है। टाइप 4 का जो तीसरा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ गया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। अब बी कहाँ है मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि ए जो है वो बी के 6 किलोमीटर पूर्व में है। ए जो है वो बी के 6 किलोमीटर पूर्व में है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है बी, और इसके पूर्व में, तो पूर्व में किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, चल दिए, कितना है 6 किलोमीटर। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है ए, ठीक है, ए भाई साहब को बिठा दिया गया। अगली लाइन में क्या बोलता है, सी जो है वो बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। उत्तर में किधर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, कहाँ कितना जाएंगे, 4 किलोमीटर। तो चलिए यहाँ तक आ गए हम, कितना, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है सी, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है सी। चलिए हो गया। अब दूसरी लाइन फिर पढ़ते हैं। दूसरी लाइन में क्या कहता है, जो डी है, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर। जो दक्षिण में चलेंगे, जैसे एक फिगर बनता है, ऐसे हमारा मैप बनता है, ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो अगर यहाँ से हमको दक्षिण में चलना है तो नीचे की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे हम नीचे कितना चलते हैं, चले आते हैं ऐसे ऐसे करके 12 किलोमीटर। टोटल दूरी ये होती है कितनी हमारी, 12 किलोमीटर। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है डी। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया डी से ए, डी ए से कितना दूर है, मतलब ये वाली जो दूरी है ये हमसे पूछी गई है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये वाली दूरी हमको पता है और ये हमको पता करनी है और ये हमको पता नहीं है, तो जरा देखते हैं कैसे पता होगी। तो देखो ये टोटल दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है, ये कितनी है, 4 है, तो ये कितनी बचेगी, ये बच जाएगी 8 किलोमीटर। अब ये 8 है, ये 6 है और ये पूछ रहा है, बहुत सिंपल है, आराम से लगा लोगे, चाहो तो यहीं पे कहो तो छोड़ दे क्वेश्चन। चलिए अच्छा लगा देते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय लग जाएगी और ये ए डी स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इतना बी डी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर कितना है, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 और प्लस 64, 36 प्लस 64 बराबर 100। क्या है, ए डी स्क्वायर है, ए डी स्क्वायर है, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100। तो ए बी बराबर, सॉरी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर ये है और बाकी दिशा कौन सी थी, दिशा पूछी नहीं गई, तो बस 10 किलोमीटर यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं और अगला क्वेश्चन, ये इससे भी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया फिगर है, अच्छे अच्छे फिगर बनाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
और इन्हीं के आधार पे अपनी पूरी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, हम पढ़ा दें, कोई पढ़ा दे, कहीं भी पढ़ लो, पैसा दे के पढ़ लो, बैच खरीद के पढ़ लो, लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ने से मतलब रखेंगे देन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि सिलेक्शन हो जाए। रेयरेस्ट लोगों का ऐसे सिलेक्शन होता है, क्योंकि वो लोग होते हैं किस्मत के धनी। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो अगर मैं 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ तो आपकी जिम्मेदारी बनती उन 6 क्वेश्चन के आधार पर आपको 60 क्वेश्चन अपने पास से लगाना। जब आप वो 60 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, आपकी टाइम बढ़ जाएगी, टाइम की जो मेंटेनेंस है वो बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। क्योंकि जो लोग एग्जाम देने जाते हैं उसमें सिर्फ 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरा पेपर आ रहा होता है, हर कोई करने लायक होता है लेकिन नहीं कर पाता। क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की कमी से। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब हम देखते हैं टाइप फोर का हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 1, 2, 3, 4, चौथा क्वेश्चन। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति ए है, किधर चल रहा है? 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चल गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। फिर क्या करता है ये? फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। मतलब ये दक्षिण की तरफ यहाँ से मुड़ेगा और यहाँ भी 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? अंत में वह बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता। अब ये इसका हो गया दक्षिण, ऐसे जा रहा है कोई नीचे की तरफ, तो बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ जाएगा? ऐसे मुड़ जाएगा ना। बाएं मुड़ के कितना चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। तो चलिए ये हो गया 7 किलोमीटर। अब क्या पूछ लिया गया है? अब पूछा गया कि वह प्रारंभिक बिंदु से, मतलब यहां से कितना दूर है और किस दिशा में है, मतलब क्या पूछा गया ये। तो देखो किस दिशा में, ये तो आप लोग आराम से ऐसे बस एक लाइन खींचेंगे और तुरंत बता देंगे कि दक्षिण पूर्व में। नॉर्मली ये आपके लिए बहुत आसान है, आप दक्षिण पूर्व तो बता सकते हैं, लेकिन दूरी बताने के लिए थोड़ा सा समस्या होती है। चलिए अब दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? एक काम करते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ पे कोई फिगर कंप्लीट ना बने तो उनके लिए क्या करते हैं हम लोग, उनके लिए हम लोग करते हैं काल्पनिक फिगर बनाते हैं। ऐसे ऐसे करके एक हम लाइन खींचेंगे, ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे। तो अब क्या हुआ? अब हमको पता चल गया, आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, कर्ण पता करना है। आधार क्या हो जाएगा हमारा? आधार हो जाएगी ये वाली दूरी, ये वाली दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? ये 7 और ये 5, तो ये हो जाएगी 12। इस फिगर को ऐसे करेंगे तो हमारा ये लंब पता चल जाएगा। लंब हमारा कितना है? ये 5 किलोमीटर है, तो इसके जस्ट अपोजिट है और सेम बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर। तो हमको पता है अपना आधार, पता है लंब, और पूछ रहा है कर्ण। कर्ण के मतलब ये वाली दूरी, ये वाली दूरी पूछा है। तो क्या करेंगे? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144, यानी कि 169। क्या है ये? स्क्वायर है। अगर इस स्क्वायर को हम रिमूव करेंगे तो इसको क्या कर देंगे? अंडर रूट, इसको कर देंगे अंडर रूट, अंडर रूट यानी कि 13 किलोमीटर। अब अगर डायरेक्शन भी लिखना हो तो हम लिख देंगे क्या? दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट, यही तो आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे अब तक के मैंने जितने क्वेश्चन बताए उनमें से सबसे बेहतरीन ये वाला क्वेश्चन है। क्यों है अभी आप लोग वो देख लीजिएगा। चलिए ये हमारा टाइप 4 का 5वां क्वेश्चन है। क्या कहता है? एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। किधर चलता है? 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। कोई व्यक्ति है यहाँ पे बैठा है, 1 किलोमीटर चल गया उत्तर की ओर, किलोमीटर उत्तर की ओर चल गया, 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गया। फिर क्या करता है? 45 डिग्री वह दाहिने ओर मुड़ता है। देखिए अगर पूरा उसको दाहिने मुड़ना होता है तो वो ऐसे मुड़ जाता, लेकिन पूरा नहीं मुड़ रहा है, वो कितना मुड़ रहा है? 45 डिग्री, 45 डिग्री मुड़ता है कितना? दाहिने, तो वो जाएगा इस दिशा में, और दाहिने मुड़ के जाता है किधर है? 2 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है 2 किलोमीटर चला देते हैं, 2 किलोमीटर ये चल गया, 45 डिग्री दाहिने मुड़ के कितना चल गया? 2 किलोमीटर चल गया। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और दो, देखिए अभी यहाँ पे 45 डिग्री चला था और अब क्या करेगा? अभी पूरा दाहिने मुड़ेगा, पूरा दाहिने मुड़ेगा मतलब पूरा 90 डिग्री मुड़ेगा। तो 90 डिग्री मुड़ने का मतलब है कि अब वह ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे चला और कितना मुड़ गया? 2 किलोमीटर, सॉरी ऐसे मुड़ा, कितना चल गया? 2 किलोमीटर चल गया।
अब पूछा क्या गया है हमसे, हमसे पूछ लिया गया कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये वाली हमसे दूरी पूछ ली है। कैन यू सॉल्व दिस? चलिए देखते हैं। एक तरीका होता है जब ऐसे कोई आकृति दी होती है और हमको नहीं पता होता इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए एक काम करते हैं, और वो काम ये रहता है कि इसको हम कई आकृतियों में, कई पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे तोड़ लिए और इसकी हम कर लेते हैं अब नंबरिंग। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब हमसे दूरी पूछी गई ए डी की, ठीक है, हमको ए बी पता है, बी सी पता है, सी डी पता है, पर ए बी सॉरी ए डी नहीं पता। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम त्रिभुज वाला एक फार्मूला लगाते हैं। तो ये एक आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा, कर्ण हमको ये, पहले ये वाली दूरी ज्ञात करेंगे, फिर ये वाली, और इससे रिलेट करके ये ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए क्या करते हैं हम, पहले बी डी स्क्वायर बराबर, बी डी स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर। अब बी सी बराबर, बी सी बराबर 2 का स्क्वायर प्लस सी डी बराबर 2 का स्क्वायर, यानी कि फिर से बी डी करेंगे, जब हम बी डी करेंगे, बी डी स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो गया 8, यानी कि ये दूरी हमको पता चल गई, लेकिन अभी स्क्वायर में पता चली, क्लियर नहीं पता है, और ये दूरी भी हमको पता चल गई। तो अब हमको ये वाली ज्ञात करनी, एंड इट्स अ वेरी सिंपल, कैसे ये देखते हैं। ए डी स्क्वायर बराबर, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 है, 1 का स्क्वायर, और बी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 8 प्लस 8 बराबर 1 प्लस 8 बराबर 9, ये 9 आ गया कितना, ए डी स्क्वायर। तो ए डी कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा √9, यानी कि 3 किलोमीटर, यानी कि ये दूरी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर, और यही है आंसर। तो दोस्तों कैसे लगे हमको आपको हमारे क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती, कल हम आपको पढ़ाएंगे टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7। इन 3 टाइप्स को कल हम पढ़ा के इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, हमारा जो अगला चैप्टर आएगा वो कल बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।